वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो भेजा है अनमोल ने और ये लालकुआ जंक्शन से बाग एक्सप्रेस चल रही है अब हल्द्वानी की दिशा में, काठगोदाम की दिशा में। और इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे लालकुआ जंक्शन से आगे लालकुआ हल्द्वानी के बीच में हल्द्वानी स्टेशन तक कितना काम हुआ है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के, जो रेल विद्युतीकरण का कार्य इरकॉन कंपनी करा रही है। लालकुआ जंक्शन तक दो CRS हो गए, जैसा आप जानते हैं भोजीपुरा जंक्शन से पहला CRS हुआ लालकुआ जंक्शन तक और दूसरा रामपुर जंक्शन से लालकुआ जंक्शन के बीच। अब यहाँ से आगे अगला CRS निरीक्षण जो होगा वो काठगोदाम तक होगा और लालकुआ जंक्शन से हल्द्वानी स्टेशन के बीच जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हैं, आप देख सकते हैं मास्ट इरेक्ट हो गए हैं, ब्रैकेट्स लगा लिए गए हैं। तो क्या कुछ ताज़ा स्थिति है इसको देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। और अभी कुछ ही पलों बाद ट्रेन धीमे धीमे चढ़ाई के ऊपर रफ्तार बढ़ाएगी, तो आलको का जो एक्सेलरेशन है, हॉकिंग है, उसकी छगिंग है, जो स्मोक निकलता है, ये सारे दृश्य आप जितने भी डीजल लवर्स हैं, विशेषकर जो लोग हमारे रेल फैंस, उनके लिए ये अब ऐतिहासिक पल होने वाले हैं, क्योंकि ये अब इतिहास हो जाएगा डीजल इंजन इस रूट पर। तो इसलिए भी ये वीडियो बहुत ख़ास है, क्योंकि चंद दिनों के ये मेहमान हैं डीजल लोकोमोटिव, चाहे हमारे आलको हों या हमारे EMD लोकोमोटिव हों, जो भी इज़्ज़त नगर मंडल के लालकुआ से हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम तक अभी चल रहे हैं इस सेक्शन पर, और अभी भोजीपुरा से लालकुआ तक होते हुए आ रहे हैं या रामपुर से आ रहे हैं। तो चूंकि अब CRS निरीक्षण हो गया है लालकुआ तक, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द लालकुआ जंक्शन तक जो रेलगाड़ियां आती हैं, सबसे पहले वो विद्युत लोको से शुरू हो जाएगी और उसके बाद जब काठगोदाम तक ये पूरा सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, तो उसके बाद विद्युत लोको से जब रेलगाड़ियाँ चलने लगेंगी, तो फिर ये डीजल लोकोमोटिव्स जो हमारे हैं, हमारी धरोहर, ये इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे। तो इसलिए इस यात्रा का भी, छोटी सी जर्नी का आप एक मज़ा लीजिए और फिर हल्द्वानी स्टेशन तक जो कार्य हुए हैं मास्ट के ब्रैकेट्स लगाने के, इनको देखिए और उसके बाद हल्द्वानी स्टेशन पर क्या कुछ चल रहा है उस पर हम बात करेंगे इसी वीडियो में अगले हिस्से में। तब तक छोटी सी इस जर्नी का और जो हमारा डीजल लोकोमोटिव अब ये ग्रेडियंट के ऊपर, चढ़ाई के ऊपर अब जा रहा है, इसका आप मज़ा लीजिए। हल्द्वानी स्टेशन तक जो मास्ट हैं और ब्रैकेट्स हैं वो लगभग सारे लगा लिए गए हैं, बस वायरिंग होनी शेष है हल्द्वानी स्टेशन और लालकुआ जंक्शन के बीच। और मुझे लगता है जिस प्रकार से यार्ड में लालकुआ जंक्शन के तेज़ी से अब वायरिंग की जा रही है, उसके बाद हल्द्वानी से लालकुआ के बीच तार लगाने का काम बहुत तेज़ी के साथ किया जाएगा। मुझे लगता है सप्ताह भर के अंदर, एक हफ्ते में हल्द्वानी लालकुआ के बीच भी वायरिंग हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर आपको एक सिंगल वायर दिख रहा होगा लगा हुआ, तो बीच बीच में कहीं पर सिंगल वायर लगा दिया है कंपनी ने और उम्मीद है कि सप्ताह भर के अंदर, जैसा मेरा अपना अनुमान है, वायरिंग का काम हल्द्वानी से लालकुआ के बीच, चूंकि सब कुछ रेडी है, तो मुझे लगता है हल्द्वानी स्टेशन से लालकुआ के बीच तार लगाने का काम ये हो जाना चाहिए सप्ताह भर में। कभी ये छोटी लाइन हुआ करती थी 90 के दशक में, शुरुआती दिनों में यहाँ पर मीटर गेज पूरा सेक्शन ये होता था। लखनऊ जंक्शन से नैनीताल एक्सप्रेस आया करती थी, आगरा फोर्ट से
कुमाऊँ एक्सप्रेस आया करती थी। उसके बाद 90s में ही धीरे धीरे आमान परिवर्तन हुआ, ये सेक्शन बड़ी लाइन में तब्दील हुआ और आज रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी लालकुआं जंक्शन तक पूरा हो गया है और उसके बाद आगे देखिए हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम की दिशा में बढ़ रहा है और इसी साल 2022 में ही मुझे लगता है मई के महीने से विद्युत लोको जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल का महीना आ गया है, चौथा महीना, और मुझे उम्मीद है कि इसी महीने CRS निरीक्षण जो है वो करा लिया जाएगा लालकुआं हल्द्वानी काठगोदाम सेक्शन का जो रह गया है इज्जत नगर मंडल में। उसके बाद यहाँ से सीधे बरेली सिटी होते हुए लखनऊ तक या रुद्रपुर होते हुए जो ट्रेन्स रामपुर के रास्ते दिल्ली या देहरादून की दिशा में जा रही हैं वो सभी विद्युत लोकों से चलने लगेंगी। तो मई तक मुझे लगता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से ट्रेन्स का जो संचालन है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन, ये आवाज़ डीजल लोकोमोटिव की आप भविष्य में अब नहीं सुन पाएंगे, ये सब इतिहास हो जाएगा जब विद्युत लोको से रेलगाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। तो WAP 7, कभी WAP 4 सीरीज़, कभी WAP 5 सीरीज़, आपको ये लोकोमोटिव इस रूट पर देखने को मिलेंगे या शायद भविष्य में वंदे भारत जैसी कोई ट्रेन कभी काठगोदाम तक आने लगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्स की बहुत कमी है लोको रिवर्सल के लिए। तो हो सकता है वंदे भारत शताब्दी क्योंकि रिप्लेस की जाएगी और वंदे भारत मुझे लगता है इस प्रकार के जो हिल स्टेशंस पर या फुट हिल्स पर जो रेलवे स्टेशंस बने हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेहतर एक विकल्प साबित होगी, क्योंकि उसमें लोको रिवर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेम ट्रैक पर ही ट्रेन वापस चली जाती है। दोनों ही तरफ जो हमारे ड्राइवर केबिन होते हैं दोनों ही साइड होते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि काठगोदाम हो गया, देहरादून हो गया, इस प्रकार के जो स्टेशंस हैं वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन जो है वो सक्सेसफुल होंगी और बेहतर रहेंगी। चढ़ाई भी है यहाँ पर, तो ये हल्द्वानी की तरफ अब बाघ एक्सप्रेस बढ़ रही है और जैसा आप देख सकते हैं कि मास्क का कार्य पूरा हो चुका है, ब्रैकेट्स सब लग चुके हैं, SSP पर भी कार्य तेज़ी से चल रहा है हल्द्वानी के और ये करवा रहा है आगे धीमे धीमे। अब हल्द्वानी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो लगभग वही जो मास्क हमारे हैं ब्रैकेट्स यहाँ पर डालने का काम वो सब पूरा हो गया है। अब इंतज़ार है सिर्फ वायरिंग का, यहाँ पर हमारी जो गोला नदी से खनन होता है उसकी लोडिंग वगैरह तमाम सारी ट्रक्स यहाँ पर रहती हैं और काफ़ी बड़ा एरिया है ये। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल नज़ारा जो है अब बदल गया है, हल्द्वानी स्टेशन की भी तस्वीर बिल्कुल अब बदल गई है। जैसे ही तार खींचेगा यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट की जाएगी तो बिल्कुल तस्वीर जो है एकदम आधुनिक स्टेशन हमारा जैसे होता है हो जाएगा। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य जब यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, और हल्द्वानी में भी अतिक्रमण की बहुत समस्या है, रेलवे की ज़मीन पर यहाँ पर भी एनक्रोचमेंट बहुत है, कई बार ड्राइव्स चली, मुहिम चली, कई बार उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है, राजनीतिक दल अपना अड़ंगा डाल देते हैं। तो रेलवे के पास यहाँ देखिए जगह पर्याप्त है, यार्ड के लिए भी जगह पर्याप्त है हल्द्वानी स्टेशन पर। वैसे तो 3 ट्रैक्स हैं, 3 प्लेटफॉर्म हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, क्योंकि गौला नदी है वहाँ पर साइड में किनारे, तो कटान भी होता रहता है, तो अधिक स्पेस नदी की साइड नहीं है। लेकिन जो हमारी बिल्डिंग जिधर स्टेशन बिल्डिंग है, जो बाएं हाथ का हिस्सा है, लेफ्ट हैंड का, अगर हम काठगोदाम की दिशा में जा रहे हैं तो स्पेस काफ़ी है। मेमू ट्रेन अगर काठगोदाम तक ना चला पाएँ तो कम से कम हल्द्वानी तक आप कर दीजिए, क्योंकि हल्द्वानी से सारी कनेक्टिविटी है, पहाड़ के जितने भी शहर हैं पर्वतीय क्षेत्र हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। ये सामने आ रहा है हल्द्वानी स्टेशन और दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति जो है, देखिए उत्तराखंड संपर्क क्रांति वो खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। बाघ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, क्योंकि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं आगे, चूँकि यहाँ पर OAG का कार्य चल रहा है तो एक लोकोमोटिव खड़ा है, उसके पीछे वहाँ पर कुछ वैगन दिख रही है और धुआं देखिए क्या शानदार नज़ारा। ये दृश्य आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा। ये हल्द्वानी स्टेशन है, हम पहुँच गए अब
हल्द्वानी स्टेशन पर, तो एक छोटी सी यात्रा के अंदर जो लाल कुआं जंक्शन से हल्द्वानी स्टेशन तक बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हुए उसकी झलक पार्ट वन, और अगले पार्ट में हम हल्द्वानी स्टेशन को पूरा कवर करते हुए यहाँ से काठगोदाम के बीच जो कार्य हुए हैं उसको देखेंगे, और पार्ट थ्री हमारा फाइनल होगा काठगोदाम स्टेशन पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हुए हैं उसको हम आपको उसकी झलक दिखाएंगे। सामने आप देख सकते हैं कुछ मास्ट रखे हुए हैं ओपन वैगन पे, पीछे क्रेन खड़ी हुई है। तो ये आ गए अब हम हल्द्वानी स्टेशन पर।